नगर राव असंशन आंग्ल माध्यम प्रौढ़शाला से हिरियूर तालुक चित्रदुर्ग जिला। आज मैं दसवीं कक्षा का थर्ड लैंग्वेज हिंदी इस विषय में कविता भाग में प्रस्तुत मातृभूमि के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। इस मातृभूमि कविता का कवि भगवती चरण वर्मा, इस मातृभूमि का कविता का कवि भगवती चरण वर्मा इनके परिचय देना चाहता हूँ। इनका जन्म 30 अगस्त 1933 में हुआ। जन्मस्थान उत्तर प्रदेश के उन्मा जिले के शिपापुर गांव में हुआ। इनकी शिक्षा BA LLB की और आकाशवाणी सेवा केंद्र में कार्यकर्ता और सेवा करते हुए पत्रिकाओं का संपादन भी किया। विचार और नवा जीवन उपन्यासों पर फिल्म चित्रलेखा दो बार फिल्म का निर्माण किया गया है। चित्रलेखा पुरस्कार प्राप्त उपन्यास भूले बिसरे चित्र साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। उपन्यास अपने खिलौने, पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मोड़े रास्ते आदि और कहानी संग्रह में मेरी कहानियां, मोर्चाबंदी, संपूर्ण कहानियां और कविताओं का संग्रह में मेरी नाटक सवियत एक नाराज और नाटक में मेरा नाटक सवियत आदि। इनका देहांत 5 अक्टूबर 1903 में हुआ। 5 अक्टूबर 1903 में इनका देहांत हुआ। लेकिन इन्होंने मातृभूमि का इस कविता का प्रस्तुत करते हुए मातृभूमि के सुंदरता के और कर्तव्य के परिचय देते हुए विशेष रूप में वर्णन करते हुए मातृभूमि का स्वरूप के बारे में बताया गया है। मातृभूमि का उद्देश्य देश प्रेमी की भावना जगाना बच्चों में। मातृभूमि का उद्देश्य बच्चों में देश प्रेम के बारे में जगाना चाहिए। हर भारतीय को अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम होना अनिवार्य होता है। लेकिन मातृभूमि का अर्थ यह बताया गया है कि जिस धरती पर हम जन्म लेते हैं वही धरती सब लोगों का मातृभूमि होते हैं। इसलिए हम मातृभूमि के लिए त्याग और बलिदान करना चाहिए और प्रस्तुत कविता में इस कविता में एक झलक बताया गया है कि देश प्रेम का झलक। इस प्रस्तुत कविता में कवि एक झलक बताया गया है कि देश प्रेम के बारे में झलक बताया गया है। लेकिन आज इस कविता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि अब इस कविता को मैं रागबद्ध बोलना चाहता हूँ। मातृभूमि इस कविता का कवि भगवती चरण वर्मा कवि इस कविता का मातृभूमि शत शत बार प्रणाम अमरों की जननी शत शत बार प्रणाम मातृभूमि शत शत बार प्रणाम अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम तेरे उर्मे शाहित गांधी बुद्ध और राम मातृभूमि शत शत बार प्रणाम मातृभूमि शत शत बार प्रणाम मातृभूमि शत शत बार प्रणाम अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। अरे भरे है केत जुबानी पल फूलों से मितवन पवन अरे भरे है केत सुहानी पल फूलों से मितवन पवन तेरे अंदर भरा हुआ है कलिजों का कितना व्यापक धन मुक्त अस्त से बांट रही है सुख संपत्ति धन दाम मातृभूमि शत शत बार प्रणाम अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम मातृभूमि शत शत बार प्रणाम अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। एक आत्मे नायकता का ज्ञान धूप सरे आत्मे एक आत्मे नायकता का ज्ञान दीप सरे आत्मे जग का रूप बदल दे माँ कोटि कोटि हम आज साथ में गूंज उठे जय इंद्र नाद से सकल नगर और ग्राम मातृभूमि शत शत बार प्रणाम अमरों की जननी तुमको
शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। कवि इस तरह कविता लिखते हुए मातृभूमि का वर्णन करते हुए सुंदर रूप से उसका स्वरूप बताया गया है। इस कविता के द्वारा कवि मातृभूमि के विशेषता परिचय देते हुए देश प्रेम के भावना बताया गया है। इस पहला पंक्ति में, इस कविता का पहला पंक्ति में मातृभू शत शत बार प्रणाम अमरों की जननी, मातृभू तुझे शत शत बार कोटि कोटि बार तुझे प्रणाम करते हुए कवि ने कहता है कि तू अमरों को जन्म दिया, एक तपो पुण्य भूमि मातृभूमि है। तू अमरों की जननी क्या है? भारत के या मातृभूमि के रक्षण करने के लिए त्याग और बलिदान किया गया वीर सैनिकों को, उदाहरण के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, ऐसे महान लोगों ने, ऐसे महान लोगों को तू जन्म दिया एक मातृभूमि। अमरों की जननी, अमरों का अर्थ मृत्युहीन। आज उन्होंने आज भी भारत माता के गोद में सोए हुए महान सैनिकों, उदाहरण के लिए भगत सिंह हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, इस मातृभूमि इस धरती का रक्षण के लिए आज भी उन लोग अमर हैं। इसलिए कवि कहता है कि इसे अमरों की जननी तुझे कोटि कोटि नमना, अमरों की जननी इसे महान सैनिकों को जन्म दिया हुआ इस धरती को, मातृभूमि को कहते हैं कवि अमरों की जननी। और उसके साथ तेरे उर्मे, तेरे उर्मे आज भी बसे हुए हैं शाहिद, सोए हुए गांधी बुद्धा और राम। कवि कहता है कि शांतिदाता गांधी, शांतिदाता गांधी, बुद्धा को कहता है ज्ञानोदया, भारत में अंधकार को दूर करने वाले ज्ञानोदय देने वाला बुद्धा। और राम कहते हैं कि इसका अर्थ भारत का या इस धरती का एक आदर्श पुरुष, आदर्श पुरुष। इन लोगों को तो जन्म दिया हुए ऐसी भारत माता या इस मातृभूमि को कवि कहता है कि कोटि कोटि नमना या शत शत बार प्रणाम। कवि तेरे ऊर में शहीद गांधी बुद्धा और राम, ये मातृभूमि तुझे शत शत बार प्रणाम। कवि इस पहला पंक्ति में क्या कहता है? कवि पहला पंक्ति में यहाँ कहता है कि मातृभूमि को न प्रणाम, नमन करता है और प्रणाम करता है। दूसरी पंक्ति में कवि सुंदरता से प्रकृति का वर्णन करते हुए उसका सौंदर्य के बारे में बताना चाहता है कि हरे भरे हैं खेत सुहाने, सुहान करते सुंदर, हरे भरा सारी को हर कोने में इस मातृभूमि धरती पर हरे भरे से भरा हुआ है और सुंदर रूप है। पल फूलों से, पल और फूलों से, अन्य फूलों अन्य पलों से भरा हुआ है, ना जाने कितना सुंदर से बताई देती है ये भारत माता या मातृभूमि। और मातृभूमि के अंदर क्या क्या है? मातृभूमि के अंदर खनिजों का संपद व्यापक विस्तार रूप में भरा हुआ है। खनिजों का संपद, हीरे हो, चांदी हो, सोना हो, और सब मातृभूमि के अंदर भरा हुआ है व्यापक रूप में। तो मुक्त हस्त से, मुक्त हस्त से का अर्थ भारत माता इस मातृभूमि में, इस जन्मभूमि में जन्म दिए सब लोगों को एक समान रूप में, या गरीब हो या अमीर हो, या नीचा हो या ऊपर हो, सब लोगों को एक समान में मुक्त अस्त में तो माँ बांट रही है, मुक्त अस्त में माँ तो बांट रही है। कभी इसे कहता हुए और सुख संपत्ति धनदाम, सबको सुख संतोष देते हुए धनदाम, घर और संपद दोनों भी देते हुए, इसीलिए कवि कहता है मातृभूमि को, हे भारत माता या मातृभूमि तुझे शत शत बार प्रणाम, तुझे शत शत बार प्रणाम कहते हैं। और तीसरा पंक्ति में मातृभूमि का एक स्वरूप और शिशुपित के बारे में वर्णन करते हुए, स्वरूप और शिशुपित बारे में वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि एक आत्म में नाय पताका, एक आत्म में नाय पताका ज्ञान दीप सरे आत्मे या दूसरे आत्मे, एक आत्मे नाया और सब लोगों को एक समान रूप में, सभी को लोगों को या
नीचा जाति हो और ऊपर जाति हो, अमीर हो या गरीब हो, सभी लोगों को एक समान रूप में न्याय मिलना चाहिए और सभी लोगों का अंधकार से दूर मिटाने के लिए ज्ञान दे ये माँ, ये धरती मातृभूमि, तुझे शत शत बार प्रणाम। इस कवि कहता है कि तुझे शत शत बार प्रणाम, इस मातृभूमि में रहने वालों का, सब लोगों का अंधकार को दूर हटाकर या अंधकार को मिटाकर ज्ञान का दीप जलाकर ज्ञानोदय करने के लिए शत शत बार प्रणाम करते हैं कवि। और कवि कहते हैं कि कोटि कोटि आज साथ में, आज भारतवासी कोने कोने में सब या किस धर्म के वो, सभी धर्मों के लोगों ने हम एक राष्ट्रीय त्योहार बनाए जाते हैं मातृभूमि का। उस संदर्भ में या हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, अन्य धर्म हो, सब लोगों ने एक साथ मिलकर जय हिंद का नाद का घोषण करते हैं, नारा करते हैं। सभी लोगों ने, भारतवासी हैं हम एक साथ हैं इस धरती के मातृभूमि के साथ, कोटि कोटि नमना करते हैं। इसलिए जय हिंद का नाम, जय हिंद का नाद सारे भारत में, सकल नगर और ग्राम, सकल नगर और ग्राम, सभी जगह इस नारा का गुणना या नारा का घोषण करना चाहिए। हे मातृभूमि तुझे शत शत बार प्रणाम करते हुए कवि इस कविता में मातृभूमि के वर्णन करते हुए अमरों का या गांधी बुद्धा और प्रकृति सौंदर्य का और मातृभूमि का स्वरूप और सुशोभित के बारे में वर्णन करते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मातृभूमि के कविता के बारे आज मातृभूमि के कविता के बारे में बताता हुए वर्णन करते हुए कवि ने सब कुछ बताया है, लेकिन अभ्यास एक अंक वाला प्रश्नोत्तर का अभ्यास देखेंगे। लेकिन पहला प्रश्न, कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? पहली पंक्ति में कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं, पहला पंक्ति में कवि मातृभूमि को प्रणाम कर रहे हैं। भारत माता के आत्मे क्या क्या है? भारत माता के आत्मे, एक आत्मे न्यायपताका, दूसरा आत्मे ज्ञान दीप, एक आत्मे न्यायपताका, दूसरा आत्मे ज्ञान दीप। आज माँ किसके साथ है? हम आज माँ कोटि कोटि भारतीय वासियों के पास है। सभी और क्या गूंज रहा है? सभी और कवि कहता है कि जय हिंद का नाद गूंज रहा है, सभी और जय हिंद का नाद गूंज रहा है। भारत माँ के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? भारत माता के अंदर खनिजों का संपद व्यापक धनधाम से भरा हुआ है। मातृभूमि के अंदर क्या क्या भरा हुआ है? मातृभूमि के अंदर खनिजों का संपद व्यापक धनधाम से भरा हुआ है। सुख संपत्ति धनधाम को माँ कैसे बांट रही है? सुख संपत्ति धनधाम को माँ मुक्त अस्त से बांट रही है, मुक्त अस्त से बांट रही है। जग के रूप को बदलने के लिए कवि किसे निवेदन करते हैं? जग के रूप को बदलने के लिए कवि भारतीयों को निवेदन करते हैं। जय हिंद का नाद कहाँ गूंजना चाहिए? जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम, सकल नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए। जय हिंद का नाद। दो तीन अंक वाले प्रश्नों का उत्तर परीक्षा के लिए बहुत प्रमुख प्रश्नों का उत्तर। पहला प्रश्न, भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए। भारत माता की प्रकृति सौंदर्य के बारे में वर्णन कीजिए। इस कविता में कवि कहता है कि भारत माता का प्रकृति का वर्णन मनमोहक अद्भुत है, मनमोहक अद्भुत है। हरे भरे खेत सुहानी सुंदर, पल फूलों से भरा हुआ है और खनिजों का संपद वन उपवन और मुक्त अस्त से बांट रही है सुख संपत्ति धनदान। इससे भारत माता का सुंदर रूप में वर्णन करते हुए कवि कहते हैं। और दूसरा प्रश्न, भारत या मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है? सुशोभित का अर्थ तो प्रकाशमान, किस तरह मातृभूमि को कवि ने देखा जाता है। इस मातृभूमि में कवि कहना चाहता है कि कल्प
कल्पना के अनुसार मातृभूमि एक हाथ में न्याय पताका, एक हाथ में न्याय, सब लोगों को न्याय मिले कि न्याय पताका और ज्ञान का दीप और जग का रूप बदलने के लिए, जग का रूप बदलने के लिए और सभी और जय हिंद का नाद सकल नगर और ग्राम में गूंजना चाहिए। इसी तरह कवि भगवती चरण वर्मा ने मातृभूमि का स्वरूप और शिशुपित का वर्णन करते हुए कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस कविता मातृभूमि के बारे में संक्षेप रूप में बताया गया है। इस कविता में कवि विशेषता के रूप में अमरों की गांधी बुद्धा और पल पलों और खनिजों का संपत्त और ज्ञान का दीप और सकल नगर ग्राम में जहिंद का नाद गूंजना चाहिए, ये सब कुछ बताता हुए कवि मातृभूमि के शत शत कोटि बार प्रणाम करते हुए वंदना करते हुए कवि कहते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो को पसंद लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आप लोगों को असम्प्शन प्रौढ़शाला आंग्ल माध्यम से स्वागत करता हूँ। आप लोगों को मेरा प्रणाम।